असलाकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल चलिए बनाते हैं ये टेस्टी मटन की रेसिपी मुंह में घुल जाने वाला मटन हम कढ़ाई में बनाएंगे फ्रेंड्स आप चाहो तो इसको कुकर में भी बना बना सकते हो कुकर में दो सीटी लगा लेंगे ना तो ये सॉफ्ट एकदम गल जाएगा कढ़ाई में बना, बनाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हाफ के जी मटन ले, ले लेंगे मैंने बोन्स के साथ में लिया था आप चाहो तो बिना बोन्स के भी ले सकते हो एक कटी हुई प्याज चाहिए इस प्याज को हम स्लाइस में कट कर लेंगे हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा जितना भी आपको लगता है उसके बाद हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया था थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड किया था फ्रेंड्स क्योंकि मटन की क्वांटिटी कम है ना तो उसी हिसाब से हम मसालों को भी ऐड कर देंगे सॉल्ट ऐड कर देंगे गर्म मसाला ऐड कर देंगे हमें सारी चीजों को मटन में ही ऐड करना है कटी हुई प्याज जो मैंने दिखाई थी उसको स्लाइस करके ऐड कर देंगे ऑयल आप जितना भी कम ज्यादा खाते हो अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर लीजिएगा सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम पे हम इसको रख देंगे मीडियम फ्लेम पे मीडियम से लो फ्लेम पे पका लेना है हमें क्योंकि मटन गलने के लिए बहुत टाइम लगता है ना तो आपको स्लोली ही उसको पकाना होता है ढक्कन करके पका लेंगे देखिए पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है जब तक मटन का पानी सारा नहीं सूख जाता तब तक हम पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे जब मटन का सारा पानी सूख जाएगा तब हम इसमें एक गिलास पानी ऐड करेंगे पानी ऐड करने के बाद इसको ढक्कन बंद करके सॉफ्ट गलने तक हम इसको पका लेंगे देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने के लिए उसके बाद जब हमारा सारा मटन गल जाएगा ना लेमन जूस धनिया ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को ये मटन बहुत टेस्टी बनता है आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा देखिए कितना सॉफ्ट गल गया है आप इसको एज अ स्टार्टर भी खा सकते हो या फिर रोटी पराठा चावल किसी के भी साथ में